आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों के साथ फिर से, मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और आरा रीडर। आज मैं आप लोगों से ट्विन फ्लेम की जर्नी की बात करूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि ट्विन फ्लेम जो होती हैं, दो असीम ऊर्जाएं होती हैं जो कि एक दूसरे से जब मिलती है तब उनकी ट्विन फ्लेम की जर्नी पूरी होती है। तो जो उनकी एक यात्रा है ट्विन फ्लेम की, उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को सुन रहे होंगे तो उनको समझना जरूरी है कि ये कहीं ना कहीं प्रेम से जुड़ी हुई शक्ति है, ये कहीं ना कहीं दो जनों के बीच की ऊर्जा है। जब वो उस लेवल पे पहुंच जाएं कि दोनों के दोनों असीम ऊर्जाएं बन जाएं, तो ठीक है। और हर एक को तो हम ट्विन फ्लेम मानेंगे नहीं, कुछ चुने हुए लोग होते हैं जो कि ट्विन फ्लेम होते हैं, जिनकी यात्रा चल रही होती है, जो बहुत सारी कठिनाइयों से उभर के सामने आते हैं, अपने जीवन में कुछ बनते हैं, फिर उसके बाद अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, फिर जीवन में जो भी उन्हें करना है, जहां भी उन्हें पहुंचना है वहां पहुंचते हैं। तो देखिए, ये एक बड़ी यात्रा होती है। जैसे आप देखिए, मैंने एक वीडियोस बनाई थी अपनी नवरात्रि में देवी की, देवी किस तरीके से अपनी तपस्या करती है। पार्वती माता की बात करें, क्योंकि ट्विन फ्लेम जुड़ा हुआ है शिव पार्वती से, अर्ध नारेश्वर रूप से, आधे शिव आधे पुरुष और आधी स्त्री की शक्ति। तो वो दोनों शक्तियां मिलती हैं तभी असीम ऊर्जा बनती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलते हैं जब, तब कंप्लीट होता है, वैसा ही होता है। तो अब देखिए, अब क्या था, अब हम इसको शिव और पार्वती के थ्रू ही समझते हैं, जब ये जुड़ी हुई उन्हीं से ही है ऊर्जा। तो देखिए, शिव एक असीम ऊर्जा जिसका ना अंत है और ना जिसकी शुरुआत का किसी को पता है, वो तो अनादि है, स्वयंभू है, खुद ही उपजे हैं, कितनी असीम ऊर्जा है। और पार्वती उनको प्राप्त करना चाहती थी, उनको शिव पति रूप में चाहिए थे। भक्ति तो हम सब करते हैं लेकिन उन्हें पति रूप में चाहिए थे, उनके जीवन में चाहिए थे। कितनी बड़ी बात है, कितनी असीम ऊर्जा की उन्होंने इच्छा करी, क्योंकि वो तो सती थी ना, पिछले जन्म में सती थी, वही पार्वती रूप में जन्म हुआ, इसलिए उन्होंने ये इच्छा भी करी। हम लोग तो इस तरीके की इच्छा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा वो जन्म है ही नहीं जहां हम इस बारे में सोच सके। तो पार्वती माता ने इच्छा करी और उसके लिए उन्होंने तप किया, त्याग किया। जब वो तपस्या करती रही कि अब पहले तो उन्होंने घर छोड़ा, फिर तपस्या करी, बैठी रही, ध्यान में बैठी रहती थी, ध्यान किया, अपने आसपास आग जला के ध्यान करती रहती थी, उन्होंने भोजन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बहुत कठिन तपस्या करी। अब देखिए, ये एक ट्विन फ्लेम की जर्नी है। सबसे पहले आपको तपस्या करके अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना पड़ेगा। उस असीम ऊर्जा से मिलने के लिए उनको अपनी ऊर्जाओं को वापस उस लेवल पे लाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो मनुष्य रूप में जन्म लिया था, अब उन्हें तो शिव की ऊर्जा के पास जाना था, उतना बनना था, तभी तो शिव स्वीकार करते। फिर उन्होंने खूब तपस्या करी, फिर उनकी तपस्या से शिव प्रसन्न हुए, उनका विवाह हुआ। लेकिन उसके बाद भी पार्वती माता अपनी तपस्या करती रही, उन्होंने और बहुत सारी चीजें सीखी। अब उनकी जर्नी में आप देखिए कितनी सारी चीजें, उन्होंने और ज्ञान भी लिया, फिर शिव ने उन्हें स्वयं बिठा के वो तंत्र का ज्ञान भी दिया एंड में, जो उनकी जर्नी है पूरी उसमें। और फिर उसके बाद जब उनकी ऊर्जाएं उस लेवल पे पहुंच गई जहां पे शिव उन्हें स्वीकार कर सकते थे, तब उन्होंने स्वीकार, तो उन्होंने शादी के समय ही कर लिया था। मैं ट्विन फ्लेम की बात कर रही हूँ, अर्ध नारेश्वर की बात कर रही हूँ। जब उनकी ऊर्जाएं उस स्तर में पहुंच गई, वो शक्ति बन गई, काली बन गई, पूरी उनके अंदर ऊर्जाएं आ गई, उन्होंने बहुत सारी शक्तियों को हासिल कर लिया, तब वो शिव और पार्वती दोनों एक हुए और अर्ध नारेश्वर बने। वैसे ही ट्विन फ्लेम की जर्नी में आपको अपने आप को अपनी असीम ऊंचाई तक ले जाना पड़ता है। आपका जो एक्सट्रीम लेवल है ना, वहां तक आपको जाना है। आप अपनी एनर्जी को पूरा हाई करेंगे, क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी सामाजिक कार्य को करना है, बहुत बड़े। आप अपने लिए नहीं जी रहे होते, आपको त्याग करना है, आपको सहन करना है, आपको समझना है, जीवन को समझना है, सारी चीजों को छोड़ देना है, सिर्फ अपने आप को पूर्णतः भक्ति में या प्रेम में भर देना है, तब जाके आप उस ऊर्जा से मिल पाएंगे। और उसके बाद इतना ही नहीं है कि सिर्फ त्याग किया, उसके बाद शिक्षा भी ली,
शिव ने स्वयं उन्हें बैठ के जो तंत्र की शिक्षा है वो भी दी, सब कुछ सिखाया। जब उनका लेवल उस लेवल पे पहुंचा, उस ऊंचाई पे पहुंचा जहां समागम हो सकता था, तब अर्ध नारेश्वर बना। अगर आप भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं तो देखिए, क्या आप अपनी ऊर्जाओं को निरंतर बढ़ा रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं आपने अपने मन में कुछ विरक्ति सी भर ली है? सारी चीजों से आप दूर हो गए, जो आपका एक लक्ष्य, एक असीम लक्ष्य है जिसमें सामाजिक भलाई भी है, क्या आप उसी के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप उसी के लिए आगे जा रहे हैं? क्या आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते ही जा रहे हैं, उस पर मेहनत ही करते जा रहे हैं? तो बिल्कुल आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में। देखिए, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, अर्ध नारेश्वर बहुत बड़ी चीज है। हालांकि कॉन्सेप्ट अभी बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, लेकिन आपको समझना है कि क्या आप उस लेवल पे जा सकते हैं, क्या आपकी एनर्जी उतनी हाई है, क्या आप अपने आप को समझ सकते हैं, हाँ मैं ट्विन फ्लेम हूं, मुझे कुछ करना है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मुझे लोगों के लिए करना है। बहुत सारे लोग रेकी सीखते हैं, मुझसे यही कहते हैं, हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं, हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन पहले जरूरी है कि आप अपने आप को स्थिर कीजिए, त्याग की भावना लाइए और उस असीम ऊंचाई तक पहुंचिए, तभी आप ट्विन फ्लेम बनेंगे और वो ऊर्जाएं आपके अंदर आएगी। अगर आप अभी भी छोटी छोटी चीजों में जेलस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो कि एक आम आदमी में होती है, तो फिर आप ट्विन फ्लेम नहीं है। फिर तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये चीजें आज भी मेरे अंदर है तो मैं ट्विन फ्लेम नहीं हूं। जब मैं इन चीजों से ऊपर उठूंगा या उठूंगी, तभी मैं उस जर्नी में जाऊंगा। क्योंकि हम उस ऊर्जा की बात करें जो शिव और पार्वती माँ की है, उस ऊर्जा का मुकाबला हम कहाँ कर सकते हैं? इतना सा भी नहीं कर सकते। अगर कहीं कुछ हमारी ऊर्जा को भी उससे जोड़ा जा रहा है तो कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। एक आम आदमी की ऊर्जा तो नहीं हो सकती ना। एक बहुत बड़ी यात्रा है, आपके स्किल्स को डेवलप करने की यात्रा है। एक आम आदमी से बहुत खास, एक इंटेलिजेंट, एक स्ट्रांग इंसान बनने की यात्रा है। देखिए, क्या आप उस यात्रा में चल रहे हैं? क्या आपके अंदर प्रेम की शक्ति, त्याग की शक्ति इतनी है कि आप उस स्तर पर पहुंच सके? अगर है तो बिल्कुल आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में। देखिए, ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ। अगर आप लॉजिकल वे में इन गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। देखिए, आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हैं, और जो लोग मेरी इस यूट्यूब की फैमिली से नहीं जुड़े उन्हें भी अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए ना और जुड़िए ना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप सबके लिए मैं लेकर के आती हूँ। मैं ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। तब तक आप अपने आप को समझिए, अपने अस्तित्व को समझिए और उसको कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों के साथ आती रहूंगी। मैं रमा जोशी, प्रणाम।